हेलो एवरीवन, रेसिपी मेरे किचन से में आपका स्वागत है। मैं सुमन आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पीनट चटनी की रेसिपी। पीनट चटनी जैसा कि आप जानते हैं साउथ इंडियन डिशेस लाइक डोसा, इडली, अप्पम के साथ सर्व करते हैं। इसे बनाना बेहद ही आसान है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने ये 1 कप कच्ची मूँगफली ली हुई है और ये 1 बड़ा चम्मच चना दाल। रेगुलर चना दाल आपको यूज़ करनी है, जो आप नॉर्मल घर में चने की दाल बनाते हैं। और ये 8 से 9 लहसुन की कलियाँ आपको लेनी है, लगभग 8 से 9 के करीब लेनी है। 4 हरी मिर्च। तो चलिए हम सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई गैस पर चढ़ाते हैं, मिडिल फ्लेम पर हल्का सा गरम कर लेते हैं। पैन गरम हो गया है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 कप मूंगफली और गैस फ्लेम को हमें मिडिल से लो के बीच में ही रखना है और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मूँगफली को रोस्ट करेंगे। हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। 1 से 1.5 मिनट रोस्ट करने के बाद ये हल्का सा चटकने लग जाएगी। इसमें हम डालेंगे फिर 1 चम्मच चना दाल, उसको लगभग 30 सेकंड के लिए हमें रोस्ट करना है मूंगफली के साथ ही। आप गैस फ्लेम को लो पर भी कर सकते हैं क्योंकि चना दाल थोड़ा जल्दी जलने लग जाती है। 30 सेकंड रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन और इसको भी लगभग 30 सेकंड के लिए हम रोस्ट करेंगे लो टू मिडिल फ्लेम पर। ये देखिए, इसको सबको रोस्ट करने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगेगा आपको। देखिए, पूरी तरह से रोस्ट हो गई है, हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी जार में डाल करके पीसेंगे। इस तरीके से आपको पीस लेना है। ये देखिए, इस तरीके से एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। एक कप पानी ऐड करने के बाद हम इसको एक बार फिर से मिक्सी चलाएंगे। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं, अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है। अभी हम इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करेंगे। उसके साथ ही मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ ताकि जब हम एक बार और मिक्सी चलाएं तो ये चटनी में अच्छे से नमक मिक्स हो जाए। तो चलिए एक बार हम और मिक्सी चलाते हैं। ये देखिए, तैयार हो गई है पीनट चटनी। आप चटनी को इसको थोड़ा सा गाढ़ा या थोड़ी सा पतली, जैसा आप खाना चाहें वैसा रख सकते हैं। ये मैंने देखी 2 कप पानी के करीब लिया था, उसमें से मैंने 1.5 कप पानी चटनी में यूज़ किया है। थोड़ा सा पानी बच गया है 2 कप में से, तो लगभग आपको इसी तरीके से पानी यूज़ करना है। तो चलिए, चटनी तैयार हो गई है, अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले हम तड़का पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे और थोड़ा सा 1 चम्मच में तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम होते ही सबसे पहले हम उसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग का डालेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे ब्लैक मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने। देखिए, सरसों के दाने किस तरह से चटकने लग गए हैं। उसके बाद ही आप डालेंगे लाल ड्राई मिर्च, आप गैस फ्लेम को लो पे ही रखेंगे ये सब तड़का लगाते टाइम। लाल ड्राई मिर्च डाल करके आप गैस फ्लेम को तुरंत बंद कर दीजिए। तो तड़का हमारा तैयार हो गया है, चलिए हम इसको चटनी में डाल देते हैं। तो तैयार हो गई है हमारी पीनट चटनी। देखिए, इसको बनाना कितना ही आसान है। जैसे कि आपने देखा, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, रोस्ट करना है, फिर ग्राइंड करना है, उसके बाद आपको तड़का लगाना है। तो जैसे कि आपने देखा, ये कितने कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। जब भी आप घर पर कभी डोसा, इडली, अप्पम या उत्पम बनाते हैं तो प्लीज़ आप इस चटनी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।